वेल मेरी पिछली वीडियो पर तामियो का भाई का कमेंट आया था टू मेक वीडियो ऑन समवन्स लाइफ स्टोरी फ्रॉम डेमन स्लेयर, सो हियर इट इज। तो इनोसुके को एक बोर्ड ने पाला है, ये तो हम सभी जानते हैं। एंड आगे जाके हमको ये पता लगा कि इनोसुके एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ था जहाँ उसके फादर उसकी मदर को अब्यूज करते थे, जहाँ इनोसुके एक छोटा बच्चा था। एंड उसकी माँ इनोसुके को लेके वहाँ से भाग गई और प्रेडेडाइज पेट कल्ट में रहने लगी, जहाँ उसे डोमा मिला। देन जब उसकी माँ को पता लगा कि डोमा एक डीमन है जो अपने वर्शिपर्स को खा जाता है, वो वहाँ से भी भाग जाती है। बट डोमा को पकड़ लेता है, लेकिन उससे पहले वो इनोसुके को एक बहती रिवर में फेंक देती है और डोमा उसकी माँ को मार देता है। एंड देन बाद में इनोसुके एक बोर को मिलता है और वो उसको पालती है। क्या इनोसुके इतना पावरफुल बन पाएगा कि वो डोमा को मारकर अपनी माँ का बदला ले सके, ये जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, स्वागत है आपका सीक्रेट टॉक शो में, जहां आपको मिलते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ अमेजिंग वीडियोस। इनोसुके जंगल में एक डीमन स्लेयर से मिलता है, जहाँ वो दोनों एक बैटल करते हैं। एंड एज रिवॉर्ड इनोसुके उस स्लेयर की स्वॉर्ड्स ले लेता है, जहाँ उसको डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में पता लगता है। एंड देन वो एक डीमन स्लेयर बनने की ठान लेता है। फाइनल सिलेक्शन आर्क। वेल अपने फाइनल सिलेक्शन आर्क के टाइम हमको इनोसुके नहीं देखने को मिला, बिकॉज वो माउंटेन पर सबसे पहले अकेला गया था और सबसे पहले ही वापस आ गया था। सुजुमी मेंशन आर्क। तो इनोसुके क्योगाई के ड्रम हाउस में गया था उसको मारने के लिए, ताकि वो और पावरफुल बन पाए। बट एट दी क्योगाई की ब्लड डीमन आर्ट की वजह से वो 3 दिन तक उसी हाउस में ट्रैप होके रह गया। बट जब ज़ेनित्सु एग्जिट ढूंढ रहा होता है, तब वो एग्जिट समझकर एक डोर ओपन करता है, बट वहाँ उसको इनोसुके मिलता है, जहाँ ज़ेनित्सु समझता है कि वो कोई डीमन है और इनोसुके डोर ओपन होते ही वहाँ से भाग जाता है। एंड देन बाद में जब इनोसुके तांजीरो से मिलता है, तो ज़ेनित्सु तांजीरो और इनोसुके एक साथ जर्नी करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। माउंट नातागुमो आर्क। तो अपनी इंजरी की वजह से विस्टेरिया हाउस में रेस्ट करने के बाद ज़ेनित्सु तांजीरो और इनोसुके माउंट नातागुमो की तरफ निकलते हैं, जहाँ वो एक डीमन स्लेयर से मिलते हैं जो कि हेल्प मांग रहा होता है। एंड देन वापस फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है, बिकॉज उसके पीछे थ्रेट्स बंधे हुए होते हैं, और इनोसुके तांजीरो को उसके पीछे रहने को कहता है। एंड देन जब उसको एक और डीमन स्लेयर मिलता है, तब उनको पता चलता है कि वो डीमन स्लेयर उनसे डीमन आर्ट की वजह से लड़ रहे हैं, जहाँ एक डीमन उनको एज पपेट यूज कर रहा है। एंड देन इनोसुके अपनी बीस्ट ब्रीथिंग का यूज करता है, ताकि वो डीमन मदर को ढूंढ पाए। एंड देन बाद में इनोसुके की फाइट एक पपेट से होती है जो कि थ्रेट से बंधा हुआ होता है। एंड वो पपेट ऑलमोस्ट इनोसुके को हराने ही वाला होता है, बट इतने में वहाँ तांजीरो आ जाता है जो इनोसुके को बचा लेता है। एंड पपेट डीमन को हराने के बाद तांजीरो मदर डीमन को भी हरा देता है, बट इनोसुके काफी इंजर्ड हो जाता है, बट वो उस बात को एडमिट नहीं करता है। एंड देन वो डीमन गर्ल को देखते हैं, जिसको तांजीरो स्मेल नहीं कर पा रहा था, ऑल बिकॉज ऑफ प्यूटेड सेंट जो पूरे माउंटेन पर फैला हुआ था। एंड देन वो डीमन गर्ल बुलाती है डीमन फादर को, जो कि काफी ही बड़ा होता है, जिसका फेस एक स्पाइडर का होता है। एंड देन इनोसुके और तांजीरो डीमन फादर से लड़ते हैं, जहाँ वो डीमन तांजीरो को दूर फेंक देता है, ऑल बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ। एंड जहाँ तांजीरो इनोसुके से बोलता है वो किसी भी कीमत पर मरे ना। एंड देन इनोसुके उस डीमन से अच्छा खासा बैटल लड़ता है, जायंट में इनोसुके के ब्लेड्स टूट जाते हैं और वो डीमन इनोसुके को पकड़ लेता है। बट वहाँ पर वॉटर हाशिरा ग्यू आ जाता है, जो बड़े ही आराम से फादर डीमन का सर काट देता है। एंड देन वहीं पर इनोसुके ग्यू को चैलेंज करता है उससे लड़ने के लिए, बिकॉज उसको लगता है कि वो ग्यू से ज्यादा पावरफुल है। बट एट दी एंड ग्यू उसको एक पेड़ पर बांध कर चला जाता है, जहाँ उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है और उसको पता चलता है वो इतना पावरफुल नहीं है जितना वो खुद को सोचता है। रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग आर्क। तो आफ्टर डिफीटेड बाय फादर डीमन, इनोसुके काफी ही बुरे तरीके से घायल हो गया था, जहाँ उसको तांजीरो और ज़ेनित्सु के साथ बटरफ्लाई मेंशन में ले जाया जाता है, जहाँ वो वापस से हील होता है और काफी स्ट्रेंथ भी गेन करता है। अब यहाँ इनोसुके पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बट वो अभी काफी दूर है डोमा को हरा कर अपनी माँ का बदला लेने के लिए। म्यूगन ट्रेन आर्क। इनोसुके म्यूगन ट्रेन में जाते ही बौखला जाता है, जहाँ पर वो पहली बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहा होता है। देन वो ज़ेनित्सु और तांजीरो फाइनली रेंगोकु से मिलते हैं, जहाँ रेंगोकु उनको बताता है कि वो इस ट्रेन में इस वजह से है क्योंकि उसको पता लगा है कि 40 लोग इस ट्रेन में गायब हो गए हैं और कोई भी स्वॉर्ड्समैन आज तक इस ट्रेन से वापस नहीं गया है। एंड देन इतने में ही ट्रेन के एंड की साइड पर एक डीमन अपेयर हो जाता है, जहाँ रेंगोकु विद इन अ सेकंड उसको बीहेडेड कर देता है, जहाँ ज़ेनित्सु तांजीरो और इनोसुके रेंगोकु से इंप्रेस हो जाते हैं और रेंगोकु को उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए बोलते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग कन्वर्सेशन सभी सो जाते हैं, जहाँ इनोसुके भी सपना देखने लग जाता है। बट लेटर जब तांजीरो उसको बुलाता है, तो इनोसुके सपने से बाहर आता है और वो ट्रेन का रूफ तोड़ के बाहर आता है, जहाँ तांजीरो इनोसुके को बताता है कि ये पूरी ट्रेन एक डीमन है और कोई भी सेफ नहीं है। एंड देन रेंगोकु तांजीरो को बताता है कि वो इस ट्रेन में डीमन की नेक को ढूंढकर उसे काट दे, जहाँ बाकी सब ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स को सेफ रखेंगे, जहाँ इनोसुके अपनी बीस्ट ब्रीदिंग स्पेशल अवेयरनेस से डीमन के हेड को सेंस कर लेता है। एंड देन इनोसुके ट्रेन के इंजन तक पहुंचता है, वहां पर उसको
ट्रेन का पायलट मिलता है जो उसको वहां से चले जाने को बोलता है, बट इनोसुके उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, जहाँ इनोसुके की तरफ डीमन अटैक करता है, जहाँ तांजीरो आकर उसको बचा लेता है। एंड देन तांजीरो अपनी स्मेल सेंस का यूज करके पता लगाता है कि डीमन का हेड वहीं नीचे है, जहाँ इनोसुके अपनी बीस ब्रीथिंग का यूज करके उस नेक तक पहुंच जाता है। बट वहीं डीमन अपने फ्लैश को यूज करने लगता है ताकि तांजीरो और इनोसुके उसकी नेक को ना काट पाए। तभी तांजीरो और इनोसुके प्लान बनाते हैं कि उनमें से कोई एक फ्लैश काटेगा वहीं दूसरा डीमन की नेक काटेगा। एंड देन तभी इनमो अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करने लग जाता है ताकि वो दोनों को डीप स्लीप में पहुंचा सके। बट इनोसुके उस अटैक को टैकल करके नेक के ऊपर की प्रोटेक्शन को हटा देता है। जब फाइनली तांजीरो इनमो की नेक को काटने के लिए हिनोकामी कागुरा क्लियर ब्लू स्काई का यूज करता है और इनमो को मार देता है। एंड देन वहां पर अपन मून 3 अकाजा आ जाता है जिसके साथ रेंगोकू का बैटल होता है। एंड देन जब इनोसुके वहां पर पहुंचता है तो रेंगोकू की हेल्प करने की सोचता है, बट रेंगोकू उसको मना कर देता है अकाजा के पावर्स की वजह से। एंड में रेंगोकू अकाजा को डिफीट नहीं कर पाता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। एंड देन जब इनोसुके तांजीरो को रोते हुए देखता है तब वो खुद को और पावरफुल बनाने की ठान लेता है। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन सुनकर मजा आया होगा, अगर ना तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को और नीचे कमेंट करके बताना इसमें से कितनी इन्फॉर्मेशन आप पहले से जानते थे। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर देना और सीक्रेट टॉक शो को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना। सी यू सून विद अनदर अमेजिंग वीडियो। आज तक बाय।